ओके गुड इवनिंग एवरीवन सो ये हमारा सेकंड सेशन है राइट right? uh, हम लोग कैश फ्लोस प्रोजेक्ट अप्रेजल का कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं सो लास्ट डे मैंने आपको पे बैक पीरियड के बारे में बताया है आई हैव टोल्ड यू डिस्काउंटेड पे बैक और मैंने आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू भी बताया है राइट नाउ हैविंग डन ऑल दिस ओके okay. अभी हम आपको एक और बताएंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर राइट उसके बाद मैं आपको मॉडिफाइड आईआरआर भी बताऊंगा क्योंकि आईआरआर का आईआरआर का एक लिमिटेशन है राइट right? उसको भी अपन डिस्कस करेंगे चलिए सो लेट मी टेक दिस जो हमारा था लास्ट क्लास वाला नाउ हमने इसका एनपीवी निकाला था एट द रेट फिफ्टीन परसेंट तो वो फोर लाख एट्टी थाउजेंड अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव आया था हमने एनपीवी निकाला था याद है एट द रेट फिफ्टीन परसेंट करके तो वो चार लाख अस्सी हजार करीबन नेगेटिव आया था एंड एनपीवी का डिसीजन रूल क्या है पॉजिटिव होगा मतलब वी विल एक्सेप्ट एज इट विल क्रिएट शेयर होल्डर्स वेल्थ वेल्थ मीन्स देर विल बी ग्रोथ इन द शेयर प्राइस नेगेटिव आएगा मतलब इट विल डिस्ट्रॉय माई वेल्थ अगर आज मैं तुमको बोलू सुबह कि तुम मुझे चालीस हजार दो शाम को मैं तुम्हें पैंतीस हजार लौटाऊंगा तुम मुझे दोगे कोई बोलो हाँ तो कल लेकर आना चालीस हजार सुबह शाम को मैं तुम्हें पैंतीस हजार लौटाऊंगा कॉमन सी बातें हैं ये अगर मैं तुम्हें ये बोलू कि तुम मुझे आज चालीस हजार दो और आज से पांच साल बाद मैं तुम्हें सत्तर हजार लौटाऊंगा टू कॉम्पेंसेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी मनी अप्रीशिएट्स विद टाइम तो तुम क्या बोलोगे नहीं मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा तुम अपना आई से उसको टानोगे या अपना चालीस हजार का से आगे लेके जाओगे और उसको 17 फ्यूचर से कंपेयर करोगे आर टू ऑफ एक आप क्या कर सकते हैं फ्यूचर इनफ्लो को आप प्रेजेंट में लाइए और उसको के साथ कंपेयर करिए या आउटफ्लो को आप फ्यूचर में लेके जाइए और उसको फ्यूचर इनफ्लो के साथ कंपेयर करिए इज द सेम थिंग राइट सो हमने देखा था हमारा एनपीबी एट द रेट फिफ्टीन परसेंट में फोर लैक एट्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सिव आया था right? 15 के से। तो आपने रिजेक्ट कर दिया अभी आप ये जानना चाहते हैं कि भैया गिवेन दिस इनफ्लो ये जो इनफ्लो दिया हुआ है इसको अपन कंसिडर करते हैं आउटफ्लो हमारा चालीस लाख है तो यह प्रोजेक्ट क्या हिसाब से कमा के दे रहा है दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एनपीवी इज एन एब्सुलूट मेजर एनपीवी क्या है ये एब्सुलूट मेजर है और आई आर आर इज अ रिलेटिव मेजर आप दो तरीके से कर सकते हैं आपका जो आई है उससे आप टानो एनपीवी निकालो पॉजिटिव आया एक्सेप्ट नेगेटिव आया रिजेक्ट सर आई भूल जाओ पहले मैं प्रोजेक्ट का रिटर्न निकालूंगा प्रोजेक्ट को रिटर्न के साथ मैं अपना वाला आई को कंपेयर करूंगा प्रोजेक्ट का रिटर्न अगर मेरा वाला आई से ज्यादा है एक्सेप्ट प्रोजेक्ट का रिटर्न मेरा वाला आई से कम है रिजेक्ट अब बराबर है तो एक्सेप्ट राइट right? So let us write what is IRR Internal Rate of Return, the rate at which PV of inflow is equal to PV of outflow. The rate at which PV of inflow is equal to PV of outflow. ठीक है डिसीजन रूल क्या है भाई आई आर आर ग्रेटर देन पैन बंद कर देना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट बट कितना से मेरा शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ेगा यह नहीं मालूम चलेगा आई आर आर से क्योंकि इस इज द रिलेटिव मेजर आई आर आर लेस देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिजेक्ट द प्रोजेक्ट और आई आर आर इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न स्टील एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ठीक है ई थिंक इट्स वेरी सिंपल तो हमारा पंद्रह परसेंट में एनपीवी नेगेटिव आ गया था मतलब पीवी ऑफ इनफ्लो वाज लेस देन आउटफ्लो और तुम लोग को ये मालूम है आई और प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशनशिप आई कम है प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है और आई ज्यादा है तो प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा तो अभी हमारा प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो से कम है पंद्रह परसेंट पे तो अपन को आई कम करना है जिससे कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बढ़े सो लेट अस टेक पी वी आई एफ एट द रेट थर्टीन परसेंट सही है ना सो दिस विल बी वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन थ्री to the power 1 ठीक है देख लेता हूँ ठीक है सो प्रेजेंट वैल्यू This multiplied with this. नहीं आया दस ले लेता हूँ फोर्टी थ्री आ गया ज्यादा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है पंद्रह परसेंट वाला हमारे पास है और एक हमारे पास दस परसेंट वाला आ गया तो अपन इंटरपोलेशन लगा देंगे ठीक है तो पंद्रह टका वाला कितना था हमारे पास थर्टी फाइव एक से मैं ऊपर देख लेता हूं थर्टी फाइव वन थ्री वन थ्री एट थर्टी फाइव वन थ्री वन थ्री एट आई आर आर में अपन को क्या चाहिए चालीस चाहिए और दस वाले में अपन कितना आ गए फोर थ्री जीरो वन वन नाइन सेवन ठीक है सो so, बहुत सिंपल है आई आर आर माइनस पंद्रह ब्रैकेट क्लोज बाई दस माइनस पंद्रह ब्रैकेट क्लोज अब जैसा लेफ्ट हैंड साइड है वैसा राइट हैंड साइड होगा So this is forty lakh minus three five one three one three eight by four three zero one one nine seven minus थ्री फाइव वन थ्री वन थ्री एट ब्रैकेट क्लोज बताओ आई आर आर कितना आ रहा है इलेवन पॉइंट नाइन वन वन तो अगर किसी का साढ़े ग्यारह ग्यारह अगर एक्सपेक्टेशन है तो वो इस प्रोजेक्ट को कर सकता है पंद्रह वाले के लिए सही नहीं है ये ठीक है तो ना है ना भैया भैया अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये अपन जो भी एनपीवी निकाल रहे हैं ना अपन जो भी आईआरआर निकाल रहे हैं इसमें अपन एक एग्जाम्शन ले रहे हैं ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने कल ही बताया सर आप लोग तो इतना ब्याज के ऊपर ब्याज यस आर नो इट मीन्स आर यू ड्रॉइंग एनीथिंग फ्रॉम द फंड इट मीन्स यू आर नॉट ड्रॉइंग एनीथिंग इट इज गेटिंग री इन्वेस्टेड राइट हा आई क्या है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन आई प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं है आई क्या है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं है तो अपन ने एनपीवी निकाला पंद्रह परसेंट से मतलब अपन ये अज्यूम कर रहे हैं अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा री इन्वेस्टमेंट भी पंद्रह परसेंट पे हो रहा है आईआरआर आया इलेवन पॉइंट नाइन वन वन It means we are making an assumption that our reinvestment is also taking place at 11.911%. परसेंट i'll just show you. अपने भी दूसरे तरीके से एनपीवी निकालते हैं पहले मैं एनपीवी वाला बता रहा हूं ठीक है ये अगर एक साल बाद का inflow है तो इसको मैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट फिफ्टीन परसेंट कर रहा हूं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट फिफ्टीन परसेंट कर रहा हूं तो आप मेरे जो बताएंगे ये वन पॉइंट वन फाइव टू नाइन होगा ये जहां मैं गलत हूं मेरे को बोलू सात लाख रुपया मेरे को एक साल बाद मिल जा रहा है तो मैं इस रुपए को री करूंगा ना रुपए को क्या करना है विड्रॉ तो नहीं मैं कर रहा नहीं रहा विड्रॉ कर रहा हूं तो तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा फिर तो अपन ये जो प्रेजेंट वैल्यू है सब निकालने से बकवास आज आपने एफ आप सीधा उसका फ्यूचर वैल्यू देखते हो तो उस एफडी का जब फ्यूचर वैल्यू देखते हो तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी तो आता है ना तो सेम यहां पर भी वही चीज है प्रोजेक्ट में भी वही चीज होगा पहला साल का जो कैश फ्लो है वो तो सेकेंड ईयर इन्वेस्ट होगा ना किस रेट पे होगा जिस रेट पे अपन अपने तो ये एनपीवी निकाल रहे मतलब वी आर मेकिंग एन आज के हमारा री इन्वेस्टमेंट भी पंद्रह परसेंट पे होगा बर रियल लाइफ में जस्टिफाइड नहीं होता हो सकता है आपने पहला साल का कैश फ्लो विड्रॉ कर लिया हो तो ये हमारा फैक्टर आ गया सेकंड ईयर का 1.15 टू द पावर 8 होगा

मैं कहीं पर भी गलत हूं तो मेरे को बोलना ऐसे ही होता है हर एक साल को एक एक फंड पकड़ो सबका पहले फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूं मैं तो ये मेरा आएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस आ गया अब मैं इसका करूंगा सम कितना आ रहा है ये आज का है कि दस साल बाद का वैल्यू है ये इसको आज में लाऊंगा ना मैं तो इकट्ठे में इसको टान लूंगा मैंने क्या करना है इसको इकट्ठे टान लेना है मतलब जो इंटरमीडिएट कैश फ्लोज when एनपीवी एट द रेट at the इट 15%, it इंटरमीडिएट कैश intermediate आर flows गेटिंग also getting एट द रेट rate 15%, बट which इज नॉट द ट्रू केस ऐसा नहीं होने वाला आपको इंटरमीडिएट कैश फ्लोज का री रेट दे देगा अलग से फ्यूचर वैल्यू एट 10. अब इसका पीवी निकालते हैं तो पहले पीवी वी आई एफ निकालेंगे ना प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट जीरो टुडे तो क्या आएगा वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन फाइव टू द पावर टेन अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना है आ गया ना एक्चुअल में ऐसे होता है एक्चुअल में ऐसे हो रहा है अब मैं आपको रिवर्स कैलकुलेशन समझाता हूं आप पहला साल का कैश फ्लो को नौ साल आगे लेके जा रहे हैं फिर आप उसको दस साल पीछे ला रहे हैं नौ साल आगे ले जाके खाली भूल जाओ जस्ट थिंक अबाउट फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर को आप क्या कर रहे हो पहले आप इसको नौ साल का फ्यूचर वैल्यू लगा रहे हो फिर वो टोटल में आ रहा है टोटल में आने के बाद आप उसको 10 साल का पीवी लगा रहे हो तो 9 साल आगे लेके जाना और 10 साल पीछे लेके आना बेटर क्या एक साल पीछे ले आओ इसलिए अपने पीवी ये फर्स्ट ईयर का यूज कर लेते हैं सेकंड वाले को आप 8 साल आगे लेके जा रहे हो फिर 10 साल पीछे ला रहे हो बेटर क्या दो साल पीछे ले आओ 7 साल आगे 10 साल पीछे तो 3 साल पीछे ले आओ आर यू गेटिंग द कांसेप्ट ये कब पॉसिबल है जब री इन्वेस्टमेंट इज एट माई आई सेम आई आई आर भी वही चीज बोलता है आई आर आर भी वही चीज बोल रहा है आई आई आर जो आया ना इलेवन पॉइंट नाइन वन इसका मतलब री इन्वेस्टमेंट भी इलेवन पॉइंट नाइन वन में हो रहा है अगर एग्जाम में आपको री इन्वेस्टमेंट रेट दे देगा अलग से तो पहले आप सबको टान के फ्यूचर में लेके जाओगे उसके बाद फिर इकट्ठा इकट्ठा जो आएगा उसको अपना आई से पीछे लाओगे योर आस्क एंड द री इन्वेस्टमेंट नॉट बी सेम हाँ आगे जो लेके जाओगे अपन अभी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन यही एज्यूम कर रहे हैं री इन्वेस्टमेंट पंद्रह टका पे हो रहा है आईआईआर पे हो रहा है पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होने वाला री इन्वेस्टमेंट अलग रेट से होता है कब ज्यादा भी हो सकता है उससे क्या लेना देना है आपको री इन्वेस्टमेंट इज वॉट द बिजनेस इज अर्निंग ऑन दैट द फंड री इन्वेस्ट होता है तो हम लोग ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है री इन्वेस्टमेंट आई पे हो रहा है री इन्वेस्टमेंट आई आई आर पे हो रहा है बट ऐसे नहीं होगा तो मॉडिफाइड एनपीवी मॉडिफाइड आई आई आर निकालना भी आता है सो so अपन एक काम करते हैं अपन री इन्वेस्टमेंट अभी ट्वेंटी परसेंट पे करके एनपीवी निकाल के देखते हमारा हमारे कोई प्रोजेक्ट जचेगा कि नहीं जचेगा तो इसमें क्या होगा आगे लेके जाएंगे बीस पटाखा पे टानेंगे पंद्रह टका पे तो ज़ाहिर सी बात है एनपीवी पॉज़िटिव आना ही आना है लेट अस सी और एनपीवी या तो जो फोर लाख एट्टी माइनस आया था ना कम हो जाएगा ठीक है so, सो अपन को क्या करना है अभी ये वापस से ये वाला चीज ले लेता हूँ एफबीआईएफ एट द रेट ट्वेंटी परसेंट छोड़ना भाई कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे अभी हमको सब नहीं करना है हमको आता सब कुछ है बट अभी हम दिखाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा <laughs> जहाँ जितना रिक्वायर्ड उतना ही बताना चाहिए ये मेरा ऐसा मानना है, सही है? हाँ तनिष्क। सुच एड बॉक्स में लिखा है पी एफ वन फोर वन का फॉर्मूला देखने को। क्या चीज? एफ वन फोर्टी वन पी एड इफ एट ज़ेरो

सर आई आर के कैलकुलेशन में हम डायरेक्ट इक्वेशन का वैल्यू नहीं लगा सकते का मल्दा? मल्दा, वो, uh, नहीं कर क्या uh, जैसे प्रवीण सर ने सिखाया था कैलकुलेटर पे बेटा प्रवीण सर की बात कर ही नहीं रहा मैं कल्ट बता रहा हूँ आई एम नॉट फोकसिंग ऑन कि हाउ क्विकली यू कैन डू द क्लास इज अबाउट कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हाँ सर वो तो बट लगा सकते हैं ना वो हाँ बाकी आप एग्जाम में आपको जैसे करना है करो दिस क्लास इज नॉट टू मेक योर कैलकुलेशंस फास्ट दिस क्लास इज टू गेट यू दी कॉन्सेप्ट रेडी बाकी तो मेरे को भी मालूम है मैं इसमें एनिटी यूज करूंगा एक सेकंड में आ जाएगा मेरा व्हाट माई पॉइंट हाँ तो वो सब अपने उसमें फोकस नहीं कर रहे हैं अभी आवर प्राइम फोकस इज ऑन टू गेट दी कॉन्सेप्ट डन

Yes, sir. Ok. देखो एनपीवी पॉजिटिव आ गया ना दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो लेस आउटफ्लो ठीक है आए ना क्योंकि यहां पे री इन्वेस्टमेंट हो रहा है ट्वेंटी परसेंट पे आपका आई बारह है पंद्रह है और ऊपर कर दू मैंने ही एक्सेल दे देना है नोट्स में डाल दूंगा ठीक है ना अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं एनुअल जनरल मीटिंग होगा एनुअल जनरल मीटिंग में चार चीज के बारे में डिस्कस होता है मेनली एजीएम जब होती है ना कंपनी की कंपनी का एजीएम में फोर थिंग्स आर मेनली डिस्कस्ड साल खत्म हुआ मार्च में दो तीन महीना लगता है मैनेजमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करने में उसके बाद आके ऑडिटर ऑडिट करता है अपना साइन थप्पा लगाएगा और सितंबर अराउंड एजीएम होता है उसमें एनुअल अकाउंट्स रीड आउट किया जाता है हमारी इस कंपनी ने इस साल इतना कमाया है हमारी कंपनी का नेटवर्थ इतना बिलियन डॉलर है हमारी कंपनी ने इस साल सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया है हमने हम इको फ्रेंडली इक्विपमेंट्स यूज करते हैं हमारे प्रोडक्शन में हमने ये किया हमने वो कैसे करके पूरा डिस्कशन होता है शेयर होल्डर को बुलाया जाता है मेनली इसमें दो ही चीज के लिए आता है आदमी लोग खाने के लिए और दबाने के लिए शेयर होल्डर खुद भी नहीं आता अपना किसी आदमी को भेज देता है इसमें चार चीज डिस्कस होता है अकाउंट्स अगले साल का ऑडिटर का अपॉइंटमेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और डिविडेंड डिक्लेरेशन कि कंपनी ने जो इस साल कमाया इन प्रॉफिट्स का क्या करना है इन्वेस्टर पूछेगा कंपनी को व्हाट ज योर ग्रोथ ऑपरचुनिटी आपके पास हमारा शेयर प्राइस को बढ़ाने का क्या उपाय है वॉट आर योर एक्सपेंशन प्लान आपका गोल्स क्या है आपका विजन क्या है सब डिस्कस करिए मेरे साथ मैं मालिक हूं अगर आप कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को यह कन्विंस कर देंगे कि आप उसी का रुपया को पच्चीस टका तीस टका में री इन्वेस्ट करने वाले हैं तो वो क्या बोलेगा मालूम है रख लो क्या रख लो प्रॉफिट को रख लो इसको अपन बोलते हैं प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट ये सब जो इतना पढ़ाई कर रहे हो ना बाबू एक ही मकसद है शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए वेल्थ बढ़ना चाहिए इन्वेस्टर का इतना एनालिसिस किसके लिए कर रहे हो फॉर हुम यू आर डूइंग मी इतना फूक फूक के कदम क्यों रख रहे हो डाल दो पैसा जिसमें डालना है जो होगा देखा जाएगा नहीं पैसा किसी और का है चला रहा हूं मैं यहां पैसा भी मेरा चला रहा भी हूं मैं ही हूं आई हैव वन टू ब्लेम आई कैन टेक द रिस्क कंपनी में ऐसा नहीं होता है पैसा इन्वेस्टर लगा रहा है चला रहा है टॉप प्रोफेशनल डायरेक्टर्स लोग जवाबदाई बढ़ जाएगी कहीं पर भी पैसा ऐसे फेंक नहीं सकता तो इफ यू आर बेटर री इन्वेस्टमेंट

आपके पास और कुछ उपाय नहीं है खर्चा भी कहां करें पूरा दुनिया घूम लिया है मैंने ठीक है सर हाँ बोलो बेटा एफ वन फिफ्टी सिक्स में पीवी एफ एट जीरो के हिसाब से क्यों निकाला है हाँ तो मेरा तो आज फिफ्टीन परसेंट है ना

Uh -huh. hmm. नहीं, प्लाव बैक जो आपने हाँ यूंगी परसेंट तो में इस चीज का डिस्कशन होता है कि, कि किसके पास में बेटर अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास नहीं है ना डिविडेंड दे दो हम देख लेंगे अपना हमको क्या करना है तुम्हारे पास है तो रखो वो नौ साल आगे जाना चाहिए और फिर दस साल पीछे आना चाहिए लेकिन अपन सीधा उसको एक साल पहले टान ले रहे हैं एक साल से टान ले रहे हैं इसका मतलब यही है री इन्वेस्टमेंट और हमारा आस रेट दोनों सेम है तभी आप ऐसा कर सकते हो अगर री इन्वेस्टमेंट और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग रहेगा ना तो आप ऐसा जिंदगी में नहीं करना आपको ऐसे ही करना पड़ेगा री इन्वेस्टमेंट रेट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ वॉट आर इज योर व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन डिविडेंड में भी ऐसा ही होता है दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर इन डिविडेंड के देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जो आप लोग सीबी वन में पढ़ेंगे टाइम्स तो शेयर होल्डर कम हो जा रहा है, गेन पे कम लगता है। इसलिए शेयर होल्डर बोलता है हमको छोटा 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 दस दस रुपया करके हर साल मत दो तुम इसको री इन्वेस्ट करो प्लाउ बैक करो मेरे को बेचना रहेगा तो मैं बेच के कैपिटल गेन क्रिएट करूंगा उसमें मेरे को काफी सारा टैक्स का एग्जेपन भी और रेट ऑफ टैक्स भी कम लगता है सबको समझ में आ रहा है ये चीज ठीक है तो हमने आपको क्या क्या बताया ये मॉडिफाइड एनपी भी बता दिया आई भी वैसा ही होगा आई में भी अगर आपका बोलता है कि री इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी परसेंट पे है उसके बाद आप आई निकालो तो कुछ नहीं करना आपको ये तो मैंने एनपीवी निकाला है रिवाइज्ड फ्यूचर वैल्यू आ गया अब इसका आई आई आर निकालना है अब इसका आई आर आर निकालना है तो कोई मेरे को बताएगा इसका आई आर आर पंद्रह परसेंट से ज्यादा आएगा कि कम आएगा हा? क्यों ज्यादा आएगा मालूम है क्योंकि पंद्रह परसेंट पे एनपीपी पॉजिटिव आया था फ्यूचर वैल्यू वाला पार्ट सेम है दोनों में इसमें आपको आई मालूम है तो आप पंद्रह परसेंट से डिस्काउंट कर लिए उसको फिर आउटफ्लो से कंपेयर किए तो आपका एनपीवी पॉजिटिव आया और एनपीवी पॉजिटिव है मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है तो जब ऐसा रहेगा तो आई आई आर पंद्रह से ज्यादा आएगा कि कम आएगा सिंपल फंडा है तो अपन एक काम करते हैं अपन को इसको इक्वेट करना है ठीक है ना इस फ्यूचर वाली को अपने को प्रेजेंट में लाना है जिसे कि 40 लाख कौन से रेट पे आ रहा है ये देखना है अपने को तो लेट अस टेक पी वी आई एफ एट द रेट सिक्सटीन परसेंट सोलह परसेंट से करके देखते पहले इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन सिक्स टू द पावर टेन ठीक है ना इक्वल टू दिस अभी भी नहीं आया चालीस लाख तो अपने काम करते पी वी आई एफ एट द रेट सत्रह परसेंट इसमें थर्टी सेवन आ गया इसका मतलब आई आर आर सोलह और सत्रह के बीच में है आई आर आर इज बिटवीन सिक्सटीन टू ये मॉडिफाइड आई आर है ठीक है यहां पे मैं लिख देता हूं Retained earnings oblique. जो भी आ रहा है आपका आंसर आपके पास ऑनलाइन सब ठीक है ना दो चढ़ा तो हम सब पी लें देखें एक हाँ बोलो हार्दिक बस बस हो गया और नहीं पीना है चलिए ठीक है सो प्रोजेक्ट अप्रेजल में हमने क्या क्या बात किया वी स्पोक अबाउट पी वी पे बैक पीरियड वी स्पोक अबाउट डिस्काउंटेड पे बैक वी स्पोक अबाउट एनपीवी वी स्पोक अबाउट आई आई आर आर वी स्पोक अबाउट मॉडिफिकेशन ऑल्सो ठीक है सो इतना इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए काफी है एक बार लेट अस मूव इन टू अनदर टॉपिक वो कैश फ्लो से रिलेटेड ही है राइट right? this is one of my uh, favorite topic bond james bond naam suna hai ha huh? bond ka naam suna hai acha race race movie dekha hai race 2 उसमें John Ibrahim को fake bonds मिल जाता है देखिए ना व्हाट इज इज बॉन्ड बेसिकली एक टाइप का लोन है जो अपन बोरोवर को देते हैं बोरोवर हमको एक फाइनेंशियल एसेट देता है इन रिटर्न गवर्नमेंट बॉन्ड्स गवर्नमेंट को एक हाईवे बनाना है तो उसने बॉन्ड इश्यू कर दिया उसका टर्म्स एंड कंडीशन बाद में आता हूं तो गवर्नमेंट को मैंने एक लाख दिया गवर्नमेंट ने मेरे को एक बॉन्ड दे दिया मतलब पांच साल बाद आइयो पैसा ले बेसिकली इट्स अ बोरोइंग एग्रीमेंट बॉन्ड दो टाइप का होते है एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड और एक होता है कूपन पेइंग बॉन्ड जूरक बॉन्ड में इंटरमीडिएट कैश फ्लोस नहीं होते हैं आपने कभी शेयर बाई किया है? शेयर सर्टिफिकेट देखा अपनी आंखों से haven't seen share certificate. मैं आपको दिखाता हूं शेयर सर्टिफिकेट देखिए आप पहले सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे होगा किसी को स्निप करना आता है कि क्या होता है फॉर्मूला सेकेंडीसीआर

ये देखो दिस इज हाउ जब भी कंपनी को पैसा चाहिए कंपनी कंपनी अपना ये के लिए फाइनेंशियल एसेट है कंपनी इसको बेचती है बदले में पैसा उठाती है इसमें लिखा है दिस इज टू सर्टिस्फाइड दैट जॉन एडम जो भी है ऑफ दिसना यूनाइटेड किंगडम का है ऐसा ऐसा लिखा है आ, रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ वन थाउजेंड ऑर्डिनरी शेयर ऑफ वन ईच फुल्ली अप इन दब कंपनी राइट तो ही इज द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी इस कंपनी का ये शेयर होल्डर हो गया ऐसा और भी बहुत सारा है ये शेयर सर्टिफिकेट हो गया एक ऐसा होता है आजकल ये कंपनी इश्यू नहीं करती क्योंकि सभी का डिमेट्राइज हो गया है शेयर ये फिजिकल फॉर्म के हैं अब आजकल फिजिकल शेयर्स को इश्यू नहीं करता सब आपके जो आपका शेयर का डिमैट अकाउंट है उसमें शेयर ऑटोमेटिकली आपके आ, उसमें दिखाएगा पोर्टफोलियो में राइट आप जब बेच देंगे तो आपके डीमेट डीमेट से निकल के किसी और के डीमेट में चला जाएगा जहां पर भी आप अकाउंट खोलेंगे ना स्टॉक ब्रोकिंग का तो वो लो लोग उसका डीमेट चार्जेस भी लेता है आपसे इसी प्रकार गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू करती है मैं आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी दिखा देता हूँ जैसे ये वाला देखो बॉन्ड है दिस इज कूपन पेइंग बॉन्ड कैन यू सी यहां पे लिखा है टू एंड हाफ परसेंट राइट इसमें रिडेम्शन का डेट भी लिखा है गवर्नमेंट का पैसा लौटाएगी कितना लौटाएगी कट गया इमेज पांच सौ की जगह आपको समथिंग अराउंड सिक्स हंड्रेड लौटाएगी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है टेन पॉइंट वन टू फाइव वन बाई एट मतलब वन टू फाइव होगा डेटेड क्या है अक्टूबर 18 1979 ड्यू है नवंबर 15 1994 15 साल का बॉन्ड है हाफ ईयरली बॉन्ड पेबल है देखो इंटरेस्ट पेबल है ना तो गवर्नमेंट इशू कर सकती है बॉन्ड कर सकती जिसको डिबेंचर्स बोलते हैं सो बेसिकली इट्स अ अग्रीमेंट लोन इन शॉर्ट अगर किसी को समझना है तो लोन समझ लो कंपनी का जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है ना वैसे बॉन्ड्स आर आल्सो ट्रेडेड इन दी मार्केट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता है ना कि सेम रहता है मैंने घर लिया था 2019 में मैंने घर लिया था 2019 में 9.25 परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 9.25 एनबीएफसी से एनबीएफसी में क्या ड्यू इंटेलिजेंस थोड़ा कम है एनबीएफसी क्या करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लेंडिंग बिजनेस में है बैंक भी लेंडिंग बिजनेस में है बैंक के ऊपर में आरबीआई का हाथ है गवर्नमेंट का हाथ है किसी बैंक के ऊपर में अगर आरबीआई का हाथ है तो उसको अपन शेड्यूल बैंक बोलते हैं किसी किसी बैंक के ऊपर में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ है तो उसको नेशनलाइज बैंक बोलते हैं मैंने एम से लिया था 9.25 परसेंट में बहुत ज्यादा रेट था फिर मैंने उस लोन को ट्रांसफर करवाया दूसरे बैंक में 8.5 परसेंट में फिर कोरोना आ गया सरकार ने बोला कि आप मोराटोरियम चूज कर सकते हैं आप अभी छह महीना किस्त मत दीजिए बाद में दे दीजिएगा लेकिन हमने दिया लोन रेपो रेट से लिंक्ड होता है यू नो व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू बैंक्स एंड रिवर्स रेपो इज द रेट एट विच आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम बैंक तो जो होम लोन होता है ना वो रेपो से लिंक्ड होता है तो उस समय रेपो वॉज सिक्स कोरोना वाइज लाइक ग्रेट पीरियड फॉर अस नो हार्ड फीलिंग्स ऑन एनी वन फैमिली मेंबर बट वहां रेपो रेट कम हो रहा था हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो रहा था मतलब जो मेरा 20 साल का लोन था ना 11 साल पे आके खड़ा हो गया था मतलब 2019 पे मैंने लोन लिया है 20 इयर्स टेन्योर का आई एम पचपन साल का जब मैं हूंगा तब मेरा लोन चुकेगा कोरोना ने मेरे को नौ साल यंग बना दिया था पचास बेसिस पॉइंट रेपो रेट गिर गया हमारा लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिर गया और गिरा चालीस पैसा और मेरा टेन कम हो गया मतलब करीबन दो परसेंट के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा था मतलब इट वाज अराउंड फोर फोर आ गया था फुल स्विंग में चल रहा था पार्टी एकदम मतलब बीस साल का लोन थोड़ा बहुत हमने प्रीपेमेंट भी किया था तो बीस साल का लोन मेरा ग्यारह साल पे आके खड़ा हो गया था बॉन्ड इज अ बोरोइंग एग्रीमेंट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड बोल देती है उसको गवर्नमेंट तो डूबेगा नहीं ना कंपनी को पैसा चाहिए कंपनी अपना बॉन्ड इश्यू कर देती है उसको अपने प्राइवेट बॉन्ड्स बोलते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दो टाइप के बॉन्ड होते होते जीरो कूपन बॉन्ड और एक होते कूपन पेइंग बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता बीच में देर इज नो कैश फ्लो यू गिव मी टूडे आई गिव यू आफ्टर फाइव अवे आई एम ए बॉन्ड मैं आज तुमको एक बॉन्ड इशू कर रहा हूं देखते हैं तुम लोग खरीदोगे कि नहीं गिवीट थाउजेंड टूडे आफ्टर फाइव इन आई गिव यू टेन थाउजेंड विल यू टेक माई बॉन्ड लेट्स नेगोशिएट Give me 9500 today. Tanisbola Karidega bond. Tanish tomorrow morning you transfer me the fund, I'll give you the bond. 9500 you give me today? I'll give you ten thousand after five years. No? Why no? टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुम्हारे हिसाब से बहुत कम है भाई right, हमको लगता है एक परसेंट आएगा समवट अराउंड चलो लेट्स नेगोशिएट एट थाउजेंड टू टेन थाउजेंड आफ्टर फाइव इयर्स फाइनल डन एंड डील सिक्स थाउजेंड टू रेट टेन थाउजेंड आफ्टर फाइव इयर्स छह हजार आज दिस इज अ गुड डील लेट्स सी कितना आ रहा है रेट YTM इसको बोलते ईल टू मच्योरिटी क्या बोलते हैं इसको तो वी आर डिस्कसिंग नाउ जीरो समझ में आ गया इट्सिंग एग्रीमेंट जिसको पैसा चाहिए बॉन्ड इश्यू कर देता है लोन एक टाइप का लोन है जो ले रहा है उसके लिए लोन है कितना देंगे आप मतलब कितना आप मेरे को आज दोगे कितना रिडेम्शन होगा कूपन कितना है कितना साल गए ऑल दीज बॉन्ड सब चीज बॉन्ड में mentioned है इंटरेस्ट सेमी एनुअली पेमेंट होगा या एनुअली पेमेंट होगा क्लियर चलो सो so, हम लोग बात कर रहे हैं जीरो कूपन बॉन्ड का एट वाई जीरो बॉन्ड आउटफ्लो कितना हो रहा है छ हजार एट वाई फाइव बॉन्ड इनफ्लो कितना है दस हजार ठीक है अपने को इसका इल्ड निकालना है बहुत अच्छा डील है है दस परसेंट से ज्यादा आएगा इसका मेरा मेरा जो तजुर्बा बोलता है मेरा जो कैलकुलेशन बोलता है सही है सो व्हाट यू हैव टू डू टेन थाउजेंड इंटू पी वी आई एफ फ्यूचर वैल्यू को आज ले आओ मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हो गया जो बोरो कर रहा है 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 उसके लिए लोन हो गया ठीक सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर सेफेस्ट इसलिए गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देती है हालांकि तो जीरो कूपन बॉन्ड है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि प्राइवेट है हालांकि जब आप बॉन्ड्स कंपनी इश्यू करती है तो उसमें चार्ज भी क्रिएट कर देती है सिक्योरिटी का कि माय ऑल एसेट्स ऑफ दिस कंपनी आर ऑन चार्ज मतलब ये सब गिरवी है कल को अगर हम बंद होंगे कल को अगर हम बंद हुए पहले आपको चुकाएंगे क्लियर सो पीवीआईएफ आई परसेंट कॉमा फिफ्थ ईयर इक्वल्स टू छ हजार प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट आई परसेंट फिफ्थ ईयर ठीक है सो लेट आई इक्वल्स टू टेन परसेंट सो पीवीआईएफ कितना आएगा वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन टू द पावर फाइव वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन टू द पावर फाइव यस और नो तुम लोग का इसमें तो अभी आ जाएगा आंसर कितना रहा भाई ठीक है सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कितना लेफ्ट हैंड साइड बताओ दिस इंटू छ हजार दो सौ नौ

वो मेरे को भी मालूम है छह हजार बाई दस हजार करके मैं तुम्हारा टेबल में देख सकता हूं टेबल बुक में वो वैल्यू किधर आ रही है फिफ्थ ईयर वाला कॉलम में ठीक है ना अपन अभी कैलकुलेशन में नहीं जा रहे अपने बेसिक लेवल में कर रहे हैं इसको मेन हमारा फोकस है कॉन्सेप्ट को लेके लगभग ग्यारह परसेंट टेन पॉइंट नाइन टू ऐसा कुछ आएगा मतलब इसमें ज्यादा आ गया छह हजार से इसमें आ गया सो आई मस्ट बी बिटवीन टेन टू ट्वेल्व टेन टू इलेवन मतलब टेन पॉइंट फाइव के ऊपर ही आएगा क्योंकि ये बहुत नजदीक है छह हजार के ये वाला वैल्यू तो ज्यादा नीचे नहीं आएगा ठीक है इट्स ए गुड डील बॉन्ड में अगर इतना मिल रहा है जो चीज सिक्योरिटी वाला होता है ना उसमें कम आस रहता है रिस्क नहीं है गवर्नमेंट पुल बनाए करप्शन हो जाए जो हो जाए तुमको तुम्हारा ब्याज और रिडेम्शन वैल्यू मिल जाएगा टाइम से कंपनी बंद भी होगी तो तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा ठीक है, उट बोलो सर मैं एक चीज पूछ रहा था इसमें आपने दो मैं समझ रहा हूँ आप एग्जैक्ट उसमें नहीं जा रहे थे कैलकुलेशन या उसमें आप टेबल बुक से देख लेते वगैरह वगैरह हाँ। इसमें आप डायरेक्ट फोर थाउजेंड मिला हम लोग कह सकते हैं हमें नहीं तो तुमको तो क्या रेट से मिला वो भी तो जानना जरूरी है ना नहीं चलो नहीं अभी फिलहाल मेरे बाद मान लीजिए सॉरी कि फोर थाउजेंड मिला हमें ठीक है फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्स थाउजेंड की पावर वन बाय फाइव नहीं होगा ये फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्स थाउजेंड की पावर वन बाय फाइव फोर की पावर वन बाय ये नहीं होगा इसका रेट ना क्यों ओके okay. आपने जो किया वो वैल्यू कैसे निकाल रहे हो प्रेजेंट वैल्यू लगा रहा हूँ दस, दस साल बाद ठीक है तो मैं उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू देख ले रहा हूँ किस रेट पे छ हजार आ रहा है ओके गॉडरेट सिंपल मैंने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाया है वॉट इज फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इज वॉट फ्यूचर वैल्यू इज टीवी मतलब एफ वी आई एफ राइट हाफवीआईएफ आई परसेंट सॉरी आई परसेंट कॉमा एन ईयर कॉमाइट एंड वॉट इज प्रेजेंट वैल्यू इसी से निकालना है फ्यूचर वैल्यू इंटू पीवी पीवीआईएफ आई परसेंट कॉमा एन ईयर, एन इन ईयर सिंपल है ना uh. मैं वही कर रहा हूँ मैंने फ्यूचर को प्रेजेंट में लाया है आप प्रेजेंट को भी फ्यूचर में लेके जा सकते हैं देख सकते कितना पे दस हजार आ रहा है ठीक है नाउ कूपन पेइंग बॉन्ड मैंने आपको बोला आप मुझे दस हजार दो पांच साल बाद मैं आपको दस हजार दूंगा आप मुझे दस हजार दो पांच साल बाद मैं आपको दस हजार दूंगा स्टूडेंट पूरा जोश में था वो बोला नहीं चाहिए मैं बोला सुनो तो सही भैया सुन तो लो बारह परसेंट दूंगा मैं सालाना कूपन बोलो लोगे हंड्रेड परसेंट लेना बनता है दिल भी ला रहा है ऑनलाइन में चीज यहां खत्म नहीं होती है थिंग्स आर नॉट ओवर हियर बॉन्ड इज कूपन पेइंग एंड ट्वेल्व परसेंट इज द कूपन इट इज लुकिंग एट्रैक्टिव टू ऑल ऑफ यू आज नॉर्मल बैंक में एफडी करने जाते हैं तो सात से आठ परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज बेटर टू डू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। उसमें थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है तो लोग करते हैं लेकिन दोस्त वट इज द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बारह दे रहे हैं इज इट एट पार विथ मार्केट इज इट हायर देन मार्केट और इज इट लोअर देन मार्केट ये चीज समझना बहुत जरूरी है दस हजार का बॉन्ड आप दस हजार में दे रहे हो रिडेम्शन भी दस हजार है कूपन बारह परसेंट खाली ये चीज से आपको पर्पज सर्व नहीं होगा

स वैल्यू ऑफ बॉन्ड कूपन इसी पे मिलता है ठीक है क्लियर मैंने आपको क्या बोला वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव कूपन कितना है कूपन रेट कूपन रेट है बारह परसेंट अभी आप भूल जाओ कि मैं बॉन्ड आपको कितने में दे रहा हूं कूपन दे रहा हूं आपको अट्रैक्टिव लगा आपने हां बोल दिया अब आगे देखते हैं ठीक है आपका कैश इनफ्लो बताओ 1200 और लास्ट में आपको 10000 हजार अलग मिलेगा ठीक है ये है ना 1200 1200 1200 करके पांच साल मिलेगा आपको और दस हजार में रिडेम्शन होगा फेस वैल्यू दस हजार है रिडेम्शन भी दस हजार मैं आपको कितना में दे रहा हूं दस हजार में दे रहा हूं आपने हाँ बोल दिया लेकिन क्या आपको मालूम है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या जा रहा है मार्केट का अपना एक रेट होता है ना कम्स ट्रेडिंग ऑन बॉन्ड यहीं पे आ जाएगा बॉन्ड का ट्रेडिंग क्योंकि आपके पास जो हो सकता है कि मान लो आपने आज खरीद लिया आज आज मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बारह परसेंट है व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इलेवन परसेंट यू विल बी हैप्पी यस और नो because you have a bond which is giving you 12 percent whereas market rate is only 11. next year also it is 11. you are happy uske baad market rate is 14 percent kya karoge you want to sell the bond in the market here comes trading या आप ऐसा सोच लोगे कि चलो पहला दो साल तो कमाया इस साल रख लेते हैं पहला दो साल वॉज मार्केट रेट वॉज मच मच लोअर देन द स्टेटेड हो सकता है ना तो अभी अपन फोकस नहीं कर रहे अपन सिंपल ये हमारा कैश फ्लोज है बॉन्ड का सर्टेन कैश फ्लोज़ सर्टेन कैश फ्लोज़ सीएम का पार्ट भी सर्टेन कैश फ्लो जो हमने प्रोजेक्ट अप्रेजल किया दैट वाज नॉट सर्टेन उसमें और भी बहुत सारा चीज आएगा आपको सर सिखाएंगे मैंने क्या बोला था प्रोजेक्ट अप्रेजल में ये फ्लोस फोरकास्टेड है अपन इनिशियल अप्रेजल कर रहे हैं अभी एनपीवी आई आई आर पे बैक डिस्काउंटेड पे बैक हो सकता है उसमें दो दो सिनेरियो निकले हर एक एक साल का दो दो सिनेरियो निकले वर्स्ट एंड बेस्ट उसमें फिर आप प्रोबेबिलिटी लेके एक्सपेक्टेड वाला निकालेंगे मैंने आपको एनपीवी निकलवाया तो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एनपीवी विल मच्योर वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो भी हो सकता है ये तो आपने बेस्ट वाला बताया बेस्ट वाले का प्रोबेबिलिटी फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट है वर्स्ट वाले का प्रोबेबिलिटी क्या है मोस्ट लाइकली क्या है एक चीज दूसरा सेंसिटिविटी एनालिसिस आज एनपीवी में काफी सारा चीज है अगर ग्रोथ उस रेट से नहीं हुआ तो कैश फ्लोस चेंज हो जाएंगे खर्चा बीच में बढ़ गया तो कैश फ्लोस चेंज हो जाएंगे तो उसका एनपीवी पे क्या इफेक्ट आएगा ये सब तो मैंने आपको बताया ही नहीं है तो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई अभी कि एनपीवी कैसे निकालते NPV होता क्या है री इन्वेस्टमेंट डिस्काउंटिंग के बारे में बताया है हो सकता है ना भैया जो भी हमारा एनपीवी आए लाख दो लाख पांच एक्चुअल है कि ये एस्टिमेटेड है, है ना ये तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो इसके दो तीन आउटकम्स होंगे ना चलो ट्वेंटी परसेंट प्रोबेबिलिटी या पांच लाख एनपीबी होगा फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी की एनपीवी तीन लाख होगा और टेन परसेंट प्रोबेबिलिटी की माइनस वन लाख होगा एनपीवी तो प्रोबेबिलिटी से एनपीवी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड एनपीवी आ जाएगा यह भी सर्टेन नहीं है इसमें फिर आप सर्टेनिटी इक्विवेलेंट रेशियो लगाएंगे तब जाके आपका पक्का वाला कैश फ्लो आएगा ये सब अनसर्टेन कैश फ्लो हैं सर आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे जिसको आप सर्टेन कैश फ्लो में कन्वर्ट करेंगे आप या आई को आप चेंज करेंगे आई में आप रिस्क को डालेंगे कि कैश फ्लो जो चेंज हो सकता है उसका रिस्क को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपका आई पंद्रह सत्रह अठारह से आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा आई में बहुत सारा कंपोनेंट आप डाल सकते हो या कैश फ्लोज को आप सर्टेन बना सकते हो लेकिन बॉन्ड में सर्टेन कैश फ्लो है इसमें कुछ भी अनसर्टेन चीज नहीं है अगर मैंने बॉन्ड लिया मेरे को बारह सौ करके हर साल मिलेगा और दस हजार मेरा रिडेम्शन है बॉन्ड का पेपर पे लिखा है मैंने आपको शेयर सर्टिफिकेट बॉन्ड सर्टिफिकेट दिखाया ना उसका पेपर पे लिखा है इसका इतना फेस वैल्यू है ये इसका कूपन रेट है ये इसकी मेचोरिटी वैल्यू है आज ये इश्यू हो रहा है पांच साल बाद ये रिडेम्शन होगा सब कुछ लिखा रहता है एवरीथिंग इज मेंशन ऑन द बॉन्ड सर्टिफिकेट अभी अपने बात करें कि तुमने सही दाम पे खरीदा है कि नहीं तुमने दस हजार में खरीदा याद रखना भूलना नहीं तुमने फेस वैल्यू पे ही बॉन्ड को खरीद लिया है तुम्हारा सौदा खरा है कि नहीं उस पर अभी हम चर्चा करेंगे तो वो तुमको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करके ही मालूम चलेगा तो अभी अपने एज्यूम करते कि मार्केट में 12 परसेंट का ही रेट जा रहा है लेट अज्यूम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 परसेंट so, तो सर ये आई हो गया यस और नो तो अपन क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालो प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड कैसे आएगा भाई 1200 सो इन पी वी आई एफ ए लगाऊंगा मैं आप एनयूटी लगा रहा हूं है ना परसेंट कॉमा फाइव ईयर प्लस टेन थाउजेंड में मैं पांचवे साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाऊंगा तुम लोग बताना, आई एफ एड ट्वेल्व परसेंट फाइव ईयर का बताओ कैलकुलेटर से अब तुम लोग अपना साइंस लगाओ थ्री पॉइंट फोर अच्छा और दस हजार का डिस्काउंटिंग फैक्टर बारह परसेंट के हिसाब से पांच पांचवे साल का जीरो पॉइंट फाइव सिक्स सेवन सौदा सही है सौदा सही है तुम्हारा प्रोवाइडेड मार्केट रेट 12% परसेंट है तो कोई अगर अनाडी कोई अगर अनाडी रहेगा जिसको नॉलेज नहीं है आई क्या होता है कूपन क्या होता है कैश फ्लो क्या होता है वो बोलेगा 12% परसेंट मतलब बहुत अच्छा है वो मार्केट से कंपेयर ही नहीं किया रेट को मैगी उसके पीछे बारह रुपया लिखा है उसके पीछे बारह रुपया लिखा है कितने का आता है चार रुपये का चौदह लिखा है ठीक है मैंने खरीदा नहीं है बहुत दिन से आया है लेकिन खरीदा नहीं है चौदह है वो पैकेट अगर तुमको कोई अठारह में बेचे तुम लोगे वो पैकेट अगर तुमको कोई तीस में बेचे तो पचास में बेचे तो लेकिन पचास में अगर बना के दे तो नहीं। क्या बात कर रही हो पहाड़ी इलाका में तुम क्या पचास में नहीं खरीदती हो सिचुएशन टू सिचुएशन में हमने चौदह पंद्रह रुपए का चीज का भी सौ रुपए भी दिया हुआ है अभी मैं प्लेन में आ रहा था कप्पा नूडल्स कितने का आता है पचास रुपए का आता होगा चार सौ ले ली हुए तो मैंने मेरे बेटे को बोला बेटा मैं तेरे को ऐसा दस ला दूंगा एक बार उतरने दे बोले नहीं मुझे अभी खाना है स टाइम वेल ऑफ मनी में भी प्रेफरेंस है है कि नहीं है इफ आई वॉन्ट टू कंज्यूम टूडे आई इट है बारह परसेंट कूपन रेट है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बारह परसेंट है तुम्हारा सौदा खरा निकला एकदम दस हजार का इसका वैल्यू आ रहा है तुमने दस हजार में ही खरीदा है चलिए लेट अस अज्यूम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन परसेंट कूपन बारह परसेंट के हिसाब से मिलेगा बॉन्ड का कूपन रेट फिक्स होता है मार्केट से चेंज नहीं होता है वो उसकी वैल्यू पर नीचे करेगी ईल्ड चेंज हो जाएगा गेटिंग माय पॉइंट ईल्ड बदल सकता है तुमको 1200 ही मिला पांच साल तक लेकिन मार्केट में 10 टका ब्याज चल रहा है मार्केट में दस टका ब्याज चल रहा है तो तुम डिस्काउंटिंग दस परसेंट से करोगे बॉन्ड तुमको ज्यादा दे रहा है इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी देखना कितना रहा भाई पहले पीवीआईएफ बता थ्री पॉइंट सेवन नाइन और इसका पॉइंट सिक्स टू वन बमबम सौदा हो गया दस हजार सात सौ पचास का सामान तुमको दस हजार में मिल गया तो कैन आई दैट इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पन रेट देन बॉन्ड विट प्रीमियम देखो बॉन्ड का प्राइस दस हजार से ज्यादा है इसको अपने बोलते हैं बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम पर तुमने कितने में खरीदा तुम्हारे लिए तो बम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू देखो बॉन्ड का एक सर्टेन कैश फ्लो होता है उसको देख अट्रैक्ट नहीं होना है बॉन्ड किस दाम पर बिक रहा है और मार्केट रेट क्या है उससे अपने कंपेयर करेंगे मार्केट रेट दस परसेंट है कूपन बारह है तो आज इसका भाव मार्केट के हिसाब से दस हजार सात सौ पचास का है तुमको कितने में मिला तो तुमने इसको लपक लिया राइट मार्केट चौदह है वो तो वक्त बताएगा <laughs> बोल भैया पीवीआईएफ वी चौदह का बता और ये जीरो पॉइंट फाइव तुमको कोई बना दिया तुमको कोई बना दिया ठीक है सो मैं एक स्टेटमेंट बना सकता हूं मैं अपना अंदाजा लगा सकता हूं इफ कूपन रेट इज इक्वल्स टू मार्केट रेट बॉन्ड विल बी ट्रेडिंग एट पार प्लस तो की वैल्यू फेस वैल्यू होनी चाहिए इफ कूपन रेट ज्यादा है मार्केट रेट से तो बॉन्ड क्या होगा प्रीमियम में ट्रेड करेगा अब तुम देख लो तुमने कितना में खरीदा है बॉन्ड पार में होना चाहिए तुमने पार में खरीदा है नो प्रॉब्लम बॉन्ड प्रीमियम में होना चाहिए लेकिन तुमने पार में खरीदा है अच्छी बात है बॉन्ड डिस्काउंट में है लेकिन तुमने पार में खरीदा है तो नुकसान हो गया तुमको नुकसान क्या नुकसान तो कुछ होता नहीं है कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा बट मार्केट के हिसाब से नहीं मिल रहा है यह मत बोलो नुकसान हो रहा है आ, मार्केट के हिसाब से कम मिल रहा है ठीक है अभी मैं आपको एक तो देता हूं आप करो अपने आप अच्छा लास्ट 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 बस लास्ट ब्रो लास्ट अभी मैं एनुअल कूपन करा रहा हूं ठीक है कूपन रेट दस परसेंट रिडेम्शन एट पार मतलब दस हजार ही मिलेगा एंड फाइव इयर्स बॉन्ड परचेज एट नाइन थाउजेंड कैलक्युलेट इंड बेसिकली आई आई आर निकालना है इस क्वेश्चन में बॉन्ड का एक मैंने अभी क्या कराया मार्केट से उसको डिस्काउंट करके परचेस प्राइस से कंपेयर कर रहा हूं सस्ता मंदा समझ में आ रहा है लेकिन अब ये क्या होगा इल्ड निकालो उसके बाद मार्केट रेट से कंपेयर कर लेंगे कि इस बॉन्ड का क्या आ रहा है और मार्केट में क्या रेट चल रहा है पहले वाले में हमने पीवी निकाला उसको परचेस प्राइस से कंपेयर किया इस वाले में हम आई निकालेंगे फिर मार्केट रेट से कंपेयर करेंगे नहीं टेन तो कूपन रेट है मार्केट रेट अभी मैंने आपको दिया नहीं है इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे बोलके मैं मार्केट रेट आपको दिया नहीं हूं नहीं कूपन रेट और मार्केट रेट सेम होगा तो बॉन्ड विल बी ट्रेडिंग एट पार सर हाँ बोलो अंश सर अगर मतलब मार्केट रेट है मतलब ये टेन परसेंट और ये कूपन रेट अगर आप बारह परसेंट पे लिया है तो वो साल तो प्रीमियम है लेकिन अगले साल अगर मार्केट रेट फोर्टीन परसेंट होगा ना इसलिए तो तो अपना उसी से करता रहता है। तो लेकिन तो साल है। नहीं नहीं तुम अगर लिस्टेड है, है, भी मार्केट में की तरह लिस्टेड होता है, तो तुम अपना बॉन्ड किसी और के साथ डाल सकते हो तुम सेल कर सकते हो अपना बॉन्ड मार्केट में okay, sir. और बॉन्ड अगर तुम सेल नहीं कर सकते तो जो भी नफा नुकसान है वो तुमको बियर करना पड़ेगा और क्या कर सकते हो तो ऑप्शन नहीं है ना मैंने जब गाड़ी लिया था उस समय कार लोन था 8.5 परसेंट पे अभी अभी कार लोन चल रहा है 7.5 परसेंट पे तो ऑप्शन नहीं है ये जो मैंने मार्केट रेट पकड़ा है ना इसको तुम अपना एक्सपेक्टेशन भी पकड़ सकते हो दिस मार्केट रेट कैन बी योर एक्सपेक्टेशन इफ बॉन्ड इज गिविंग ट्वेल्व परसेंट योर एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो ट्वेल्व थाउजेंड एंड यू परचेज फॉर टेन थाउजेंड हा हा जैसे लिबर हो गया एस बी आई का रेट्स हो गया तो क्या कहूँ दस हजार एनपीवी कैसे आएगी आपको तो एनपीवी निकालना ही नहीं है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपको तो आई निकालना है अच्छा ओके okay, सॉरी इस इसमे तो मैंने मार्केट रेट दिया ही नहीं इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे बोल के मैंने आपको मार्केट रेट दिया ही नहीं है मैं आपको सिंपल पूछ रहा हूं बॉन्ड से मेरे को क्या यील्ड आ रहा है कितना आ रहा है 12 दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है इसमें मैंने प्राइस निकाला फिर उसको एक्चुअल प्राइस के साथ कंपेयर किया तो मेरे को पता चला कि मेरा सौदा सस्ता है कि महंगा है अब इसमें मैं यील्ड निकाल रहा हूं उस यील्ड को मैं मार्केट रेट से कंपेयर करूंगा तो कैश फ्लोस क्या क्या है पहले कैश फ्लोस प्रेडिक्ट करते हैं दस हजार का मतलब हजार रुपया होगा रिडेम्शन पार में है ठीक है तो ये मेरा कैश फ्लोस हो गया और अपने को खरीदा हमने नौ हजार में तो so, क्या रेट पे ये इनफ्लो और 9000 बराबर होगा यही तो बॉन्डिल इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इनफ्लो इज इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो सो बेसिकली क्वेश्चन ये है नाइन थाउजेंड नहीं वो बोला है रिडेम्शन एट पार मतलब दस हजार की बॉन्ड है दस हजार ही हमें वापस मिलेगा so 9000 is equals to 1000 into pvif i percent comma 5 year सॉल्व किया आई कितना आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट लेट आई इक्वल टू ट्वेल्व परसेंट सो कितना आया so, ट्वेल्व पॉइंट फाइव वन कुछ करके आ रहा है एक सेकेंड नहीं आएगा तो अपने को आई को तेरह परसेंट लेना पड़ेगा तेरह परसेंट का पीवीआईएफए क्या आ रहा है ठीक है बताओ ना तेरह परसेंट का पीवीआईएफए कितना आ रहा है पॉइंट और डिस्काउंटिंग फैक्टर फिफ्थ ईयर का जीरो पॉइंट फाइव फोर इन दोनों के बीच में आएगा कितना आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट बॉन्ड ईल्ड इज बिटवीन टवेल्व पॉइंट एट थ्री परसेंट जो भी जिसका भी जैसा आ रहा है हाँ ट्वेल्व पॉइंट एट थ्री आएगा क्योंकि ये इसके नजदीक है नौ हजार के नजदीक है तेरा वाला राइट right? तो हमने जो भाव में खरीदा उस हिसाब से ये ईल्ड आ रहा है अब आप मेरे को बताओ मार्केट में दस परसेंट चल रहा है कूपन को भूल जाओ मार्केट में ग्यारह परसेंट चल रहा है तो तुमने जिस बॉन्ड में पैसा लगाया वो अच्छा है कि नहीं है ट्वेल्व पॉइंट एट थ्री आ रहा है मार्केट में ग्यारह चल रहा है लेकिन तुमने जिस भाव में खरीदा उस भाव के हिसाब से ट्वेल्व पॉइंट एट थ्री तुम्हारा मार्केट में बारह चल रहा है अच्छा है मार्केट में चौदह चल रहा है बुरा है ना इसका मतलब अगर मार्केट में चौदह चल रहा है तो बॉन्ड का प्राइस 9000 के ऊपर होना चाहिए था कि 9000 के नीचे फिर से बता रहा हूं पहला केस समझ में आया ये क्या केस था ये क्या था इसमें हमने मार्केट के हिसाब से प्राइस निकाला है मार्केट के हिसाब से ये रेट होना चाहिए पन एंड मार्केट इज टू डिफरेंट थिंग जैसे मैंने बताया ना री इन्वेस्टमेंट एंड वॉट यू आर गेटिंग वॉट इज ये बॉन्ड में क्या प्रिंटेड है और मार्केट और तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है वो अलग अलग चीज है जिस मार्केट को तुम अपना एक्सपेक्टेशन पकड़ो मार्केट बारह टका दे रहा है मार्केट दस दे रहा है वॉट मै पॉइंट दो अलग अलग चीज हो गया कूपन कूपन अलग हो गया मतलब जो बॉन्ड का फेस पे लिखा है कि मैं तुम्हें दस दूंगा दस हजार का फेस वैल्यू का मैं तुम्हें बारह दूंगा दस हजार का मैं तुम्हें पांच साल बाद इतना चुकाऊंगा ये बॉन्ड का फेस पे लिखा है उसको कूपन रेट बोलते हैं लेकिन यहां जो लिखा है इसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या मार्केट से कंपेयर करेंगे अपना आस रेट से कंपेयर करेंगे ठीक है तो ये बॉन्ड दे रहा है मुझे ये बॉन्ड दे रहा है दिस इज वॉट बॉन्ड का सर्ट एंड कैश फ्लो ये बॉन्ड का सर्ट एंड कैश फ्लो है ना सो पहला केस में हमने क्या किया पहला केस में भी आप बॉन्ड डील निकाल सकते थे बॉन्ड डील निकाल के फिर आप मार्केट से या अपना आज से कंपेयर कर सकते थे लेकिन मैंने दोनों दोनों एस्पेक्ट आपको कवर करवाया पहला केस में मैंने बॉन्ड का वैल्यू निकाला एज पर मार्केट फिर मैंने किस दाम पे खरीदा दिस इज बॉन्ड का वैल्यू वर्सेस परचेस प्राइस विच इज टेन थाउजेंड दिस इज वर्सेस परचेस प्राइस दिस इज वर्सेस परचेज प्राइस तो ये अच्छा है ये भी अच्छा है यहां पे महंगा खरीदा हो गया अब हमने क्या किया आपको मैंने आपको बोला बॉन्ड का यील्ड निकालो तो पहले आपको कैश फ्लो निकालना है आपने यहां कितना लगाया 9000, आपने 9000 लगाया और आपको ये मिल रहा है उस हिसाब से आपका यील्ड क्या आ रहा है 12.83 नाउ bond yield versus market rate of interest 12.83% market is giving 10 market is giving 11% Market is giving 12%. Market is giving 14%. Right? Good investment. Good investment. Bad investment. When it is bad, when you paid more.

दोनों तरीके से आप डिसीजन कर सकते हैं तो एग्जाम में आपको बॉन्ड वैल्यू भी निकालने बोल सकता है उस बॉन्ड वैल्यू का आप परचेज प्राइस से कंपेयर करके गुड बैड डिसाइड करेंगे या आपको बॉन्ड ईल्ड भी निकालने बोल सकता है विच इज आईआरआर विच इज आईआरआर दैट आईआरआर मस्ट बी कंपेयर्ड विद मार्केट रेट टू अंडरस्टैंड गुड और बैड इन्वेस्टमेंट आई थिंक इट्स फाइन विद ऑल ऑफ यू चलिए थैंक यू सो मच गुड नाइट